जब फिल्म शुरू होती है हमें जेसन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे म्यूजिक का बहुत शौक है और वो अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करके सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। बाद में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो चर्च की एक नन को मारकर उसके कपड़े पहनती है। बाद में हम देखते हैं जेसन अपनी बहन जो के साथ स्कूल जाता है क्योंकि उनकी छुट्टी खत्म हो गई है। जेसन और उसकी बहन एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ते हैं। इस कैथोलिक स्कूल के प्रिंसिपल का नाम रिबेका है। फिर रिबेका एक नई नन से मिलती है जिसे आज स्कूल में अपॉइंट कर दिया गया है। वो नई नन का नाम सोफिया है। रिबेका ने सोफिया को पूरा स्कूल दिखाती है। इस बीच सोफिया भी जेसन से मिलती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोफिया जेसन की क्लास टीचर बनने जा रही है। इसके बाद रिबेका सोफिया को अपना कमरा दिखाती है। कमरे में सोफिया लैपटॉप पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देखती है और उसे देखकर वो अपने लैपटॉप को किस करने लगती है। इससे पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से जानती थी और वो स्कूल में किसी मकसद से आई है। अगले दिन सोफिया क्लास में जाती है और वो जेसन को सारा नाम की लड़की से बात करते हुए देखती है। ये देखकर उसे जलन होती है और वो सबकी सीट बदल देती है। नन होने के बावजूद सोफिया को सुबह की प्रार्थना नहीं मिली है और इसलिए वो जो को सुबह प्रार्थना करने के लिए कहती है। ये सब देखकर जो को भी थोड़ा अजीब लगती है। फिर एक बार जब जेसन सारा को किस कर रहा होता है तो सोफिया उन्हें देख लेती है और जेसन को दूसरी लड़की को किस करते हुए देखकर उन्हें बहुत जलन होती है। फिर वो गुस्से में उन दोनों के पास जाती है और सारा को जेसन से दूर रहने को कहती है। इसके बाद सोफिया जेसन को क्लास के बाद उससे मिलने के लिए अपने कमरे में बुलाती है। फिर वो जानबूझकर अपने कमरे का दरवाजा खुला रखती है और ड्रेस बदलने लगती है। फिर जेसन वहाँ पर आता है और वो फिर से सोफिया को चुपके से अपनी ड्रेस बदलते हुए देखता है। दरअसल सोफिया ने ऐसा जानबूझकर इसलिए किया ताकि वो जेसन को बहका सके। थोड़ी देर के बाद जेसन सोफिया से मिले बिना चला जाता है। सोफिया जेसन को छोड़ते हुए देखती है और वो मुस्कुराती है क्योंकि उसकी प्लान तो सफल रही है। अगले दिन वीकेंड है और सभी स्टूडेंट्स के परिवार अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए आ रहे हैं। इधर सोफिया जेसन को फिर से सारा से बात करते हुए देखती है और उसे जलन महसूस होती है और फिर सोफिया सिस्टर रिबेका से कहती है कि उसकी मौसी की तबीयत खराब है और इसलिए उसे छुट्टी की जरूरत है। रिबेका भी उसे जाने की अनुमति देती है और घर पहुंचने के बाद जेसन अपने माता पिता से कहता है कि वो एजुकेशन ड्रॉप करना चाहता है ताकि वो अपने म्यूजिक करियर पर ज्यादा ध्यान कर सके। जेसन की माँ ने उनका बहुत साथ देती है लेकिन उनके पिता इस फैसले से खुश नहीं थे। फिर वो स्विमिंग पूल के पास बैठकर गाना गाने लगता है। सोफिया भी जेसन को गाना गाते हुए चुपके से सुन लेती है। तभी जेसन को सारा का फोन आता है और ये देखकर सोफिया काफी नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर वो सारा के कमरे के अंदर चली जाती है और चुपके से वो कुछ ड्रग्स को सारा की किताबों के बीच में रख देती है। और अगले दिन जब वो छात्रा के बैग की जांच करवाती है तो सारा के बैग से कुछ ड्रग्स निकल जाती है और स्कूल में ड्रग लेकर आने के लिए सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे स्कूल और हॉस्टल की तलाशी ली जाती है और जेसन के कमरे से भी शराब की एक बोतल निकलती है। जब जेसन को इसके लिए पनिश करने का समय आता है तो सोफिया ने बाकी फादर्स और नन से उसे एक छोटी सी सजा दिलाने के लिए बात करती है कि उसे इस सप्ताह के अंत में स्कूल की सफाई में मदद करनी है। सोफिया ने उसे पनिश तो करती है ताकि वो इस सप्ताह के अंत में स्कूल में रह सके और वास्तव में सोफिया ने उस कमरे में शराब की बोतल रखी थी। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे सोफिया को जेसन से प्यार हो गया। दरअसल सोफिया ने एक बार सोशल मीडिया पर जेसन का म्यूजिक वीडियो देखी थी और उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था। फिर सोफिया जेसन के बारे में पूरी रिसर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि जेसन के स्कूल में सोफिया नाम की एक नन को काम पर रखा गया है। फिर वो सिस्टर से मिलती है और उसे मार देती है। फिर सोफिया खुद जेसन के स्कूल आती है। इससे पता चलता है कि सोफिया इसका असली नाम नहीं है। अब फिर से सप्ताहांत का समय है और जेसन और जो दोनों सफाई करने के लिए स्कूल में रुकते हैं। इस सफाई के दौरान सोफिया जेसन की मदद करती है और उसे बहकाने की पूरी कोशिश करती है। उसी रात जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है सोफिया जेसन के कमरे में चली जाती है और अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके साइड में रख देती है। तभी सोफिया अपने कपड़े उतार देती है और जेसन को किस करने लगती है। पहले तो जेसन को यह पसंद नहीं आया क्योंकि सोफिया नन थी, लेकिन सोफिया के बहकावे में आने पर वो खुद को रोक नहीं पाता। फिर दोनों इंतमत होते हैं। जेसन अगली सुबह दिखाया गया है जो बहुत दोषी महसूस कर रहा होगा क्योंकि वो एक नन के साथ इंतमत हो गया। तो कब जेसन के कमरे में कोई नहीं है जब सोफिया उसके कमरे में आती है और जेसन के कपड़ों को सूंघने लगती है। तभी जो वहां आती है और उसे देखती है। तब सोफिया जो को डांटती है और फिर जो जेसन को इसके बारे में बताती है। ये सब देखकर सोफिया जो से बहुत नाराज हो जाती है और वो जो को टेस्ट में कम अंक देती है। जो के लिए ये सब बहुत अजीब लगती है क्योंकि वो अपनी क्लास में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेती थी। फिर जो ने फिर से टेस्ट देने के लिए क्लास में आती है तो वो देखती है कि टेस्ट पेपर को डेस्क के ऊपर रखा था। इसी बीच सोफिया क्लास में आती है और टेस्ट पेपर देखते हुए जो देखती है। दरअसल इसमें जो कुछ भी हो रहा था वो सारा सोफिया के प्लान का हिस्सा था
और उसने जानबूझकर टेस्ट पेपर को डेस्क के ऊपर रखी थी ताकि जो उसे देख सके और वो उसे ऐसा करते हुए पकड़ ले। फिर सोफिया जो को प्रिंसिपल रेबेका के पास ले जाती है और सब कुछ बताती है, लेकिन रेबेका जानती थी कि जो एक अच्छी स्टूडेंट है और इसलिए वो उसे सस्पेंड नहीं करती है। दूसरी ओर जेसन अभी भी अपने काम के लिए दोषी महसूस कर रहा है, इसलिए वो चर्च जाता है और भगवान को कबूल करता है। इधर सोफिया कन्फेशन बॉक्स के अंदर आती है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद अब सारा अपने घर में एक पार्टी रखती है और जेसन को वहां भी बुलाती है। जेसन को पार्टी में जाते हुए देखकर सोफिया भी इस पार्टी में उनका पीछा करती है। पार्टी के अंदर सारा जेसन के करीब आती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन किस के दौरान जेसन को सोफिया की याद आती है और फिर वो सारा को किस करने से रोकता है और फिर वो भी पार्टी छोड़ देता है। पार्टी से बाहर आते वक्त उनके हाथ में शराब की बोतल होती है, इसी वजह से कोई पुलिस वालों ने उसे पकड़ लेता है, लेकिन सोफिया ने सिचुएशन को संभाल लेती है। इसके बाद सोफिया उसे एक होटल में ले जाती है। इधर सोफिया फिर से जेसन को बहकाने की कोशिश करती है तो जेसन उससे कहता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तब सोफिया उससे कहती है कि वो जीवन भर उसके साथ रहना चाहती है और उसके पास बहुत पैसा भी है ताकि दोनों खुशी खुशी साथ रह सके। सोफिया को सुनकर जेसन को बहुत अजीब लगता है और फिर गुस्से में वो सोफिया को डांटता है, कहता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है। फिर वो वहां से निकल जाता है। जेसन सड़क के किनारे बैठा होता है, तब उसके पिता उसके पास आते हैं और वो अपने म्यूजिक करियर पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जेसन का समर्थन करते हैं और उसे ड्रॉप लेने की परमिशन देते हैं। जेसन ये सुनकर बहुत खुश होता है और दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन वीकेंड खत्म होते ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोफिया भी उनके घर के बाहर कार में होती है। जेसन ने कल रात जो कहा था उसके बारे में उसे बहुत बुरा लग रही थी, क्योंकि उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। और तब जो सोफिया को वहां से जाते हुए देखती है। सोफिया को यहां देखकर जो को सोफिया पर और ज्यादा शक हो जाती है और उसे लगती है कि कुछ गड़बड़ है, और इसलिए वो सोफिया की कार का नंबर नोट कर लेती है। फिर वो उस कार का नंबर सर्च करती है, तब उसे पता चलती है कि कार सोफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। दरअसल ये कार असली सोफिया की थी जो इस नकली सोफिया द्वारा मारा गया था। तो जेसन अपने कमरे में वो सोफिया को अपने बेड पर लेटा हुआ देखता है और उसके सामने ढेर सारी गोलियां देखता है, और ये देखकर उसे लगता है कि सोफिया को पिछली रात की बातों से बहुत बुरा लगी है और इसीलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है। और वो पूरा घबरा जाता है और फिर सोफिया को जगाने की कोशिश करने लगता है। तब सोफिया उसे किस करना शुरू कर देती है और हमें पता चलता है कि सोफिया सिर्फ जेसन को प्रैंक कर रही थी। तब जेसन गुस्सा हो जाता है और सोफिया से कहता है कि वो उससे शिकायत करेगा। तब सोफिया उससे कहती है कि ऐसा करने के बाद सभी को पता चल जाएगा। नन और स्टूडेंट के बीच जो रोमांस चल रहा था, ये सुनकर जेसन खुद को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो ये भी जानता है कि अगर वो शिकायत करेगा तो उसकी छवि भी खराब होगी। फिर सोफिया कमरे से निकल जाती है और जेसन को जो का फोन आता है और उससे सोफिया के बारे में पूछती है। तब जेसन जो से कहता है कि वो उसे बाद में सब कुछ बता देगा। इसके बाद क्लास की प्रार्थना के दौरान प्रिंसिपल रेबेका क्लास में आती है और सारा उनके साथ होती है। उसकी गलतियों के लिए उसको माफ कर दिया गया था। और रेबेका ने क्लास में ये भी देखती है कि सोफिया सुबह की प्रार्थना भी नहीं जानती है। और बाद में सोफिया ने जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जेसन उसकी एक नहीं सुनता और इससे सोफिया बहुत नाराज हो जाती है। फिर उसी रात सारा नहा रही होती है, तभी सोफिया उसके कमरे में आती है और उसका सिर दीवार में मारकर उसे मार देती है। इसके बाद वो वहां एक साबुन रखती है जिससे सभी को लगता है कि ये एक हादसा है। बाद में जो को सारा की लाश मिलती है, फिर वो इस बारे में सबको बताती है। इसके बाद पुलिस वहां आती है और सभी को लगता है कि सारा की मौत महज एक दुर्घटना थी। लेकिन जो और जेसन सोफिया पर शक करते हैं और इधर सोफिया ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती है, जिससे जो का शक गहराने लगती है। और यहाँ प्रिंसिपल रेबेका सोफिया की मौसी के अंतिम संस्कार में फूल भेजना चाहती थी, तो वो अस्पताल को कॉल करती है। तब रेबेका को पता चलती है कि सोफिया इतने लंबे समय से झूठ बोल रही थी। इधर जो ने जेसन को बार बार पूछताछ करने पर जेसन जो को सोफिया के साथ अपने अफेयर के बारे में बताता है। अब दोनों को शक है कि शायद वो असली सोफिया नहीं है। तभी जेसन को याद आता है कि उसने सोफिया के कमरे में एक लैपटॉप देखा था। अगले दिन जब रेबेका सोफिया से बात कर रही होती है, तब जेसन और जो सोफिया के कमरे में जाते हैं और वहां एक लैपटॉप ढूंढते हैं। उस लैपटॉप के अंदर सोफिया की कई फोटोज मिलती है, यानी ये लैपटॉप असली सोफिया का है। तब जेसन को वहां एक और लैपटॉप भी मिलता है जो इस नकली सोफिया का है, और जब वो उस लैपटॉप को ओपन करता है तब उसके कई सारे फोटोज मिलते हैं। और उस लैपटॉप की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि नकली सोफिया का असली नाम लॉरा है। फिर दोनों इस लैपटॉप को सबूत के तौर पर रखने का फैसला करते हैं ताकि सोफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। दूसरी ओर जब रेबेका सोफिया को उसके झूठ के बारे में बताती है, तो सोफिया अपने झूठ को छिपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे छिपाने में नाकाम होती है। तब सोफिया गुस्से में रेबेका को लैम्प से मारकर बेहोश कर देती है।
इधर जेसन और जो रेबेका की तलाश में चच जाते हैं और सोफिया भी वहाँ आती है। यहाँ सोफिया को पता चलता है कि उन दोनों को सच्चाई का पता चल गया है और इसलिए वो जो पर हमला करती है। तब जेसन उसे रोकता है, तब रेबेका भी वहाँ आती है और सोफिया से लड़ने लगती है और सोफिया रेबेका को मारने वाली थी। तभी जेसन सोफिया को एक स्क्रू ड्राइवर से मारता है जिससे वो वहीं मर जाती। अगले सीन में हमें जेसन और जो को ग्रेजुएशन करते हुए दिखाया जाता है और इस खुशी में जो को एक कार गिफ्ट मिलती है और जेसन के पिता उसे एक गिटार देते हैं और यहीं पर फिल्म एंड होती है। तो ये थी बैड सिस्टर की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो पूरी फिल्म देखें और अगर आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।